नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को पीछे भी चर्चा किया था, जो आदमी का कौन सा दोष ऐसा है जो उसको तंग करता है। तो संसार मानता है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा खासा सफलता चाहता है तो उसको परेशानी जब होती है, इस अवस्था में जब जन्म से लेकर 20 साल तक अच्छा शिक्षा प्राप्त करे, उसके लिए जुपिटर पावरफुल होना बड़ा जरूरी है। यदि आपका जुपिटर कमजोर है, आपका मंगल कमजोर है, मार्स कमजोर है, बृहस्पति कमजोर है, तो आपको याद नहीं रहेगा और याद पे कंट्रोल नहीं रहेगा। उसका लाक्षणिक धर्म यह है, जो आप जब कुछ पढ़ते हैं तो तुरंत ही आपके मन से स्लिप कर जाता है, और याद यदि पढ़ भी लेते हैं तो आप उसमें डाउट रहता है, कंफ्यूजन बना रहता है। शास्त्र मानता है जो लोग मूलों में पैदा होते हैं, मूल के तीन अच्छे मूल नहीं बुरे मूलों में से यदि पैदा होते हैं तो ये दोष आपको पाया जाता है। यदि तो 20 से 40 साल की उम्र में इसी दोष से आप यदि प्रभावित रहते हैं तो आपका जो आपका जन्म पत्री है, आपको ये देखने की जरूरत है जो आपके हाथ में, अरे आपके ललाट पे कितनी रेखाएं बनती है। यदि आपके हाथ में 5 रेखा प्रमुख है या 7 रेखा प्रमुख है, आपके ललाट में 3 रेखा या 5 रेखाएं बनती है, तो इस ललाट रूपी रेखाएं, हाथ रूपी रेखाएं आपको जन्म को उदाहरण के तौर पे बताता है, जो जीवन में आपके कौन कौन सी ग्रह कमजोर है जो मस्तिष्क पे रेखाएं बनाती है, और कौन सा ऐसा कर्म कमजोर है जो हाथ में रेखाएं प्रदर्शित कराता है। इन सभी रेखा नाम के दोष से या मंगल बृहस्पति राहु सूर्य नाम के दोष से बचने के लिए जो हाथ में रेखाएं बनती है, जो मस्तिष्क में रेखाएं बनता है, हाथ से जो जब रेखाएं बनती है तो वह अच्छा काम करते हैं, मर मस्तिष्क दिमाग भी उसमें पूरा लगाते हैं, फिर भी अच्छा फल नहीं मिलता है। इसका इसी चारों ग्रहों का युति है। तो जो लोग ये सोचते हैं जो जीवन में मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, तो ये कौन सा दोष ऐसा उत्पत्ति होता है? तो कहते हैं शास्त्र मानता है जो ये दोष जो है पूर्व जन्म का दोष है। जो पूर्व जन्म का दोष इसलिए कहा जाता है, जब पूर्व जन्म का दोष होता है तो ये ग्रह सब आपको पथ प्रदर्शन करता है। पूर्व जन्म का दोष आपकी रेखाओं को बढ़ाता है, आपके मस्तिष्क में रेखाएं बढ़ाता है, आपके भूलने की आदत बढ़ाता है। कैसे? किसी ने शास्त्र में कहा है जैसे पूर्व जन्म के पाप से हरिचर्चा न सुहाय, जैसे जल की ज्वर से अन्न का रुचि ने रह जाए। यदि आप पूर्व जन्म में कोई कमी है तो इस जन्म में उसका परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। और यदि आपको उसका उदाहरण आया, यदि आपको जो टेम्परेचर हो जाता है तो अच्छे से अच्छे खाने वाला चीज से भी आपका मन उठ जाता है। तो शास्त्र मानता है हाथ की रेखाएं मस्तिष्क रेखाएं पूर्व जन्म को अंकित करता है, और उसका जो दोष है आपको इस जन्म से कैसे मुक्त हुआ जाए उस दोष से मुक्ति के साधारण से उपाय है। यदि आपको ऐसे कुछ भी लक्षण दिखता है, आपके हाथ के पश्चिम रेखा में ऐसे कोई लक्षण दिखाई देता है, तो आप सुबह उठें और अपने हाथ में जल रखें, गायत्री मंत्र बोलें, और जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है वो मंत्र बोलें, और साथ में उस हाथ को ऐसे मसल दें और अपने मुंह पे ऐसे करके उसको पूरी तरह से लेपन करें मंत्र बोलते हुए, और फिर जा करके और फिर अपने हाथ को दर्शन करें, और उसी हाथ में भगवान विष्णु, माता सरस्वती, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप उसमें भगवान माता सरस्वती को उसमें आह्वान करें हाथ में, यदि आप व्यापार करते हैं तो महालक्ष्मी का आह्वान करें, यदि भक्ति पूजा करते हैं तो आप भगवान विष्णु की आराधना करें, और हर वस्तु से मस्त रहना चाहते हैं भगवान शिव की आराधना करें, और हर वस्तु पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने ही हाथ में अपने ही देवताओं का आह्वान करें, और फिर उसी हाथ को ऐसे जोड़कर अपने मस्तिष्क से लगाएं और मन में संकल्प करें, हे ईश्वर, जो पूर्व जन्म का पाप है उसको पूर्व जन्म में ही जाने दीजिए, और इस जन्म में उस पाप को प्रवेश मत करने दें, और मुझे इस जन्म में अच्छा काम करने की और सद्बुद्धि की प्राप्ति के रास्ता बताएं। और वास्ता इस तरह से यदि आप उपाय करते हैं तो आपका जो दोष है वो तुरंत ही समाप्त होने की कगार पे तैयार हो जाता है। यह चमत्कारी उपाय है। इस चमत्कारी उपाय से करने से आपका जीवन में अलग लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप करके देखेंगे
तो आपको लाभ दिखाई देगा। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।